बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री और विधायक संगीता यादव के आवास डुमरी खुर्द चौरी चौरा में महिला मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के महिला पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। गौरतलब है कि 2022 के राजनीतिक महासमर से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने संगठन के सभी इकाई को मजबूत करने में लगे हुए हैं। विधायक संगीता यादव के आवास पर आयोजित बैठक का उद्देश्य भी आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सहभागिता को लेकर थी, जिसमें बीजेपी महिला पदाधिकारियों ने अपने संगठन से जुड़ी महिलाओं को गुरु मंत्र दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चौरी चौरा विधायक संगीता यादव ने कहा, आवास योजना, लेकिन उन्होंने क्या नाम दिया? सिर्फ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि यदि कल कोई भी प्रधानमंत्री आएगा तो आवास योजना उसके भी नाम से होगा, सिर्फ मेरे नाम से नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से काम किया। यदि यही कांग्रेस का सरकार होता तो लिखता कांग्रेस सरकार। मैं अभी पिछले समय चुनाव में मैं कलकत्ता में गई थी, आप भी थी वहां पे, टीएमसी जो ममता का काम था वो क्या की कि जितने हमारे मोदी जी के द्वारा आवास मिले थे उस पे उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया था, अपना पट्टी लगवा दिया था। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको दोगला कहते हैं। भोजपुरी में मैं आपको बता रही हूँ कि इसको दोगला कहते हैं कि काम हम करें और नाम आप कमाइए। देखिए, आज महिला मोर्चा की बैठक में हमारी क्षेत्र की महामंत्री अर्चना सिंह जी मुख्य वक्ता थे और हमारे अरण्य जिलाध्यक्ष चंद्रा शुक्ला जी आई थी। इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि जो माननीय मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, 2022 का चुनाव है, एक परिचयात्मक बैठक भी थी मंडल समिति की और ये प्रयास किया गया कि कैसे योजनाओं को और जमीन तक लेके आया जाए और महिलाओं से कितनी संबंधित योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में हमारे दोनों वक्ताओं ने महिलाओं को जागरूक किया।